नमस्कार दोस्तों, करियर जम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरे चैनल करियर। फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग स्कूल या कॉलेज या एग्जाम देने जा रहे हो तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है, ये गाइडलाइन के फॉलो करते हुए आपको स्कूल कॉलेज या एग्जाम में जाना है। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया कि 9 से 12 तक के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। तो होना क्या है, अगर जो लोग स्कूल में जा रहे हैं उसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या होनी है। सबसे पहले कि स्कूल के पास सैनिटाइजर होना बहुत जरूरी है और सैनिटाइजर के बाद सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है कि एक जब भी कोई क्लास में बैठे तो एक के बाद एक स्पेस हो, फिर नेक्स्ट बंदा बैठे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रोटेशनल शिफ्ट हो, कुछ बच्चे इस हफ्ते आए और कुछ बच्चे नेक्स्ट वीक आए, ये भी चल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि जो भी बच्चे एग्जाम देने आएंगे या स्कूल आएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो सैनिटाइजर नहीं लेकर के जाते, बट उनके घर वालों को बताया गया कि आप सैनिटाइजर लेकर के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना कंपलसरी होगा, बिना मास्क के आपकी कॉलेज या स्कूल में एंट्री नहीं होगी। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो गया फिर गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम देने गया, उनके पास फोन होना चाहिए और फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। वो आरोग्य सेतु ऐप उनका देखा जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप देखने के बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। मान लीजिए किसी के आरोग्य सेतु में दिखा रहा होगा कि आप कोरोना पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो ये नहीं कि उसको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, उसको भी वहीं पर रखा जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना के एक अलग कमरे में रखा जाएगा ताकि अलग लोगों को इम्पैक्ट ना पड़े। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि भीड़ भाड़ नहीं रखना है स्कूल या कॉलेज में या फिर जहां पे एग्जाम हो रहा, क्योंकि भीड़ भाड़ होने से चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और कोरोना फैलने का डर बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए लाया है कि ये चीज जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर, फिर आरोग्य सेतु ऐप, ये सारी चीजें आपकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए है, मेरे हिसाब से सही है। अगर आप स्कूल कॉलेज जाओगे तो आपको अपने प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं बता दूं, कोरोना जैसे टाइम में अगर स्कूल कॉलेज आप जा रहे हो ना, तो सेल्फ प्रोटेक्शन ही सबसे बड़ा क्योर है, आपके लिए इलाज है। अगर आप सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि स्कूल कॉलेज अगर आप जाना चाह रहे हो तो इन सब बातों को ध्यान रख लो, अपने पेरेंट्स को भी बता दो। अगर नहीं है मास्क तो खरीद लो 2-4-10, कम कम पैसे में आते, घर पे भी बना सकते हो, और सैनिटाइजर ले लो आप, और आरोग्य सेतु ऐप, अगर फोन की व्यवस्था है तो आरोग्य सेतु ऐप भी अपना इंस्टॉल कर लो, अपडेट कर लो, तब जाके आप स्कूल या कॉलेज जाने की तैयारी करो। तो बस इस वीडियो में इतना, ये न्यूज आप लोगों को देनी थी। कैसा है ये न्यूज, आप लोगों का क्या इस पे रिएक्शन होता है, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी शेयर कर दो। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।